यहाँ बुलंदशहर के रास्ते में एक लड़की और एक माँ अपने पिता और भाई के सामने ले जाई गई वहाँ गन्ने की झाड़ियों में। उसके पिता को और उसके भाई को वहाँ बिठा के रखा गया हाथ पांव बांध करके, और पिता के सामने बेटी नंगी की गई, बेटे के सामने माँ नंगी की गई और उनकी इज्जत लूटी गई। ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे दुष्कर्म किए होते हैं, इनको उन्हीं लड़कियों के सामने और महिलाओं के सामने उल्टा लटका करके मार मार के चमड़ी उधेड़ कर फिर उस मांस में नमक और मिर्च कर देना चाहिए ताकि ये तड़पे। और इनको तड़पते हुए देखे वो लड़कियां, वो माएं और वो बहनें, जब ये तड़पेंगे, जब ये अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। मैंने ऐसा करवाया था जब मैं मुख्यमंत्री थी, जब एक महिला के साथ ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा करवाया था और मुझे पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि दीदी मानवाधिकार का हनन हो जाएगा। मैंने कहा था सिर्फ दानों का मानवाधिकार नहीं होता है। और उन महिलाओं को मैंने कहा कि थाने के बाहर खिड़की से देख दिखाना इनको, और अंदर थाने में उल्टा लग करके मारना, इतना मारना कि इनकी चीखें इन लड़कियों के कान में जब जाएंगी तब इन लड़कियों की आत्मा ठंडी होगी, शांति मिलेगी, नहीं तो इनकी शांति नहीं मिलेगी।